Hello and welcome to the challenging case series by Wings Hospital on Facebook. Myself, you know, Dr. Jayesh Amin. And today is basically challenging case. It is considered as a challenging of the to claim is to share something, the requirement of the society, today's society. As you know that why I am considered as a challenge, because now every IVF is a challenge for me. That there are a lot of couple, those who are career oriented, both husband and wife working, and they don't have time, and they emotionally so means difficult to explain, and finance, we can say they have a funding, but there is a really limited and targeted funding for a certain number of the cycles, and they are very literate, both are working couple, timing is a big issue, working in the corporate is a good job. And that main thing is that they are always coming in their educations, they are always in the rank of, means they are not average students, good students. They have seen all the success in their life. They are one of the pampering kids of the their parents. And you know that this type of couples now increasing. And as you know that PCO is polycystic ovary. यानी कि मैं अभी हिंदी में बोलूंगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी, एक से ज्यादा फुग्गे वाली अंडेदानी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशंस, व्हिच इज अ हब, इंडिया इज अ हब, 16% इंसिडेंस. और ऐसे पेशेंट्स अभी क्या है कि उनकी उम्र 30 साल 32 साल हो चुकी है एंड दे हैव पास्ड ऑल दिस थिंग्स एंड देयर चैलेंज टू मी इज दैट सपोज देयर आर टू ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स, दो ग्रुप है. एक ग्रुप ऐसा बोल रहा है सर मैं दो IUI एक IUI करके आए हैं, इधर वी कंटिन्यू द IUI, दैट इज देयर क्वेश्चन, बिकॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन इज अ बिग प्रॉब्लम. सो दे आर सेइंग आई कैन कंटिन्यू अप टू 6 IUI, 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज वन क्वेश्चन. एंड सेकेंड इज द कपल, दोज हु सेज दैट दे आर वेरी लिटरेट एंड वैलिड, दे से आई शुड डू IUI, बट देन व्हेन दे शिफ्ट, जब वो IVF पे शिफ्ट हो रहे तो मुझे चैलेंज दे रहे, जयेश भाई मुझे IUI की तरह ट्रायल नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रायल, राइट. And this is the big challenge. I'm sharing the PCOS case, lot of series of the PCOS case, that how I am dealing. मैं किस तरह से डील करता हूँ इसका, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है, जिनको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कोई ऐसा समझ रहा है कि IVF is a stigma, then it's fine. Psychologically they are not convincing, then it's fine. But if they want अपने खुद का बच्चा जल्दी, then I can still say in PCOS patients IVF is a best answer. No IUI will give 15-30% results in PCOS, and you have to limit your IUI number of the cycles. अगर आप psychologically or financially ready नहीं हो तो 3 IUI करवा सकते हो. तो मैं ऐसे कपल की बात कर रहा हूँ जो IUI नहीं करवाना चाहते, या जो 3 IUI करवा के now they are just frustrated and saying that I want pregnancy. If I am doing IVF, then I want pregnancy faster. Is it any route? Yes, there is a route. एंड एज यू नो दैट पीसीओ के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि इट्स अ गुड प्रोग्नोसिस पेशेंट्स, यानी कि बहुत अच्छे आउटपुट वाले पेशेंट्स हैं. और ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम एक का मिलना वो बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ज्यादा एक मिल जाते हैं. और जब भी ज्यादा एक मिलता है तो एम्ब्रियो बनना कोई चैलेंज नहीं होती, यानी कि जो एम्ब्रियो बनने की चैलेंज है वो पूरी हो गई, राइट. अभी जो एम्ब्रियो बनने की चैलेंज पूरी हो गई, यानी कि हमारे पास दो या चार बच्चे इतने अच्छे हैं जो ए ग्रेड के हैं, पांचवें दिन के हैं, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट है, उसको फ्रीज में मैंने रख दी है, ऑलवेज फ्रीज ऑल इन ऑल पीसीओएस पेशेंट्स, एंड देन दे वांट ट्रांसफर इम्प्लांटेशंस इन वेरी सिंगल स्टेप और डबल स्टेप. नो नीड टू गो बाय परचेसिंग द ट्रायल्स. हाँ, आप ऐसी चीजों में मत जाए जहां बोले एक दो ट्रायल, तीन ट्रायल, एक ट्रायल पे एक ट्रायल फ्री. आई कांट अंडरस्टैंड दिस ऑल नॉन साइंटिफिक वर्ड्स, बट आई कैन से समथिंग दैट कि अगर हम एक टेस्ट है जिसको इम्प्लांटेशन टेस्ट बोलते हैं, जिसको एरा बोलते हैं, जिसका वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो मेरे नाम पे, इट इज अ वेरी वंडरफुल टेस्ट. इफ यू डोंट डू दिस टेस्ट, 70% विल इम्प्लांट विदाउट डूइंग दिस टेस्ट वेन यू फ्रीज ऑल, एंड अनदर 30% विल इम्प्लांट वेन वी डू दिस टेस्ट एंड ट्रांसफर. वेरी फ्यू पीपल डू नॉट हैव अ रिजल्ट. सो इट इज अ वेरी वेरी what we can say, game changer test, and 1000 patient series my already I have completed, and I can convey the message. Now there is no trial concept. Basically the challenge
And the today's my lecture or today's my speech is to convey the message in PCOS patients, don't worry, you will never feel any challenge and no more trials. Don't accept more trial doctors. Thank you.